हेलो, हमने पढ़ा कि फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है। इस प्रोसेस को अगर हम आगे लेकर जाएं तो हम देख सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक जीन को आइसोलेट करना पड़ता है। इस केस में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। नाउ व्हाट इज़ एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन? अगर आप यहाँ ध्यान दें तो कभी कभी कुछ सेल्स में इस तरह का एक डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। इसकी इसमें कुछ जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एक रेड कलर का जीन है, एक ग्रीन कलर का जीन है और एक ग्रे कलर का जीन है। ये जीन्स या तो एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर देंगे, यानी जो आप दवाई खा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेनिसिलिन या तो उसे डिग्रेड करके डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर उस एंटीबायोटिक के साथ कुछ कोई केमिकल लगाकर उसको अल्टर कर देंगे, उसका डिज़ाइन अल्टर कर देंगे ताकि वो काम ना कर सके, या फिर ये जीन कोई एक ऐसा एंजाइम बनाएंगे जो इसी एंटीबायोटिक को सेल के बाहर रिमूव कर देगा। सो दिस इज़ एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट इन अ प्लाज्मिड। तो सबसे पहले हम इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एक प्लाज्मिड से रिमूव करते हैं और इसे यहाँ से कट करेंगे और इसे किसी दूसरे प्लाज्मिड के साथ हम अटैच करेंगे, राइट? तो अब ये देख सकते हैं, सो फर्स्ट स्टेप वॉज कि यू टेक एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसे एक प्लाज्मिड से आइसोलेट किया जाता है और इसे कट किया जाता है विद हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। इन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है क्योंकि ये डीएनए को कट करते हैं बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस में। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमने एक ये देखिए ये हमने कट कर दिया था और हमने इसको एक सेकेंड प्लाज्मिड में ऐड कर दिया है विद हेल्प ऑफ एन एंजाइम डीएनए लाइगेज और हमारे पास बन गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, राइट? इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आप दूसरे प्लाज्मिड में अटैच कर देते हैं विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट? तो इसमें दो प्लाज्मिड थे, प्लाज्मिड वन एंड प्लाज्मिड टू। प्लाज्मिड वन में हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था जिसको हमने कट कर दिया और इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, और प्लाज्मिड टू में हमने यही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऐड कर दिया विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। सो प्लाज्मिड टू नाउ बिकम्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इस कंडीशन में हमारा होस्ट सेल है एशेरिशिया कोलाई, ताकि उसकी मल्टीपल कॉपीज बन सके, जिसे हम जीन क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा वेक्टर था, दिस इज़ अ वेक्टर। वेक्टर मींस जो फॉरेन डीएनए को कैरी कर सके, इट्स ऑल्सो अ प्लाज्मिड। दिस इज़ अ फॉरेन जीन, इस केस में हमारा ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, राइट? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हमने एक ई कोलाई में होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर दिया। होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई। आप देख सकते हैं बहुत सारी कॉपीज़ हैं, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो भी हर सेल में इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनती हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। यानी ये अपनी बहुत मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है और बाद में अपना आपको एक्सप्रेस करके ये वो प्रोटीन भी बनाएगा जिसकी उसे ज़रूरत है। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये देखिए, फॉरेन डीएनए से आपने जो जीन आपको चाहिए उसे आपने कट किया विद हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट? और ये वेक्टर डीएनए है जो फॉरेन डीएनए को कैरी करेगा, दिस इज़ अ प्लाज्मिड। इसको भी आपने उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कट है ये, और फिर इस फॉरेन डीएनए को आपने यहाँ पर अटैच कर दिया है विद हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज, राइट? और ये देखिए यहाँ पे ये फॉरेन डीएनए अटैच हो गया है एंड दिस हैज बिकम नाउ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट? फिर हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी ई कोलाई सेल में या किसी भी होस्ट सेल में डाल देंगे। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और जब ये ई कोलाई सेल मल्टीप्लाई करेगा तो इस प्रोसेस को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं, मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, ये देखिए मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं इन्हें, और ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन में कट करता है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इससे हम किसी डिज़ायरेबल जीन को आइसोलेट करके कट कर सकते हैं। डीएनए लाइगेज हमारा एक ऐसा एंजाइम है जो किसी भी दो डीएनए के पीसेस को जॉइन कर सकता है।
इन दोनों ही एंजाइम्स की हमें ज़रूरत पड़ती है टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये देखिए हमारा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जिसको हम मार्कर भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया में अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हो सकते हैं उनके प्लाज्मिड में, जो अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर सके। फॉर एग्जांपल ये देखिए इस प्लाज्मिड में एक जीन यहाँ है पर्पल कलर की जो टेट्रासिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करती है, और एक जीन यहाँ है जो एम्पिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करती है। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर से हम इसे कट कर दिया और अब हम यहाँ पर कोई भी फॉरेन डीएनए अटैच कर सकते हैं, राइट। सो विल टॉक अबाउट दिस वन लेटर। ये देखिए यहाँ पर हमने ये हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, इसको हमने प्लाज्मिड में अटैच कर दिया है यहाँ देखिए, और ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। दिस इज़ हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ फॉर्म, दिस इज़ हाउ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वॉज फॉर्म। और ये जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डाल देते हैं तो जो होस्ट सेल जिसके अंदर अब नाउ एक फॉरेन डीएनए आ गया, इसको हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहते हैं, वी कॉल इट अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, हम किसी ज़रूरी डिज़ायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करके उसे कट करते हैं। सेकेंड इंट्रोडक्शन, उस डिज़ायरेबल जीन को किसी होस्ट सेल में डालना, जैसे ई कोलाई में डाल देना विद हेल्प ऑफ ए वेक्टर। ये क्यों होता है? बिकॉज द डिज़ायरेबल जीन डज नॉट हैव ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, तो हमें इसे वेक्टर के साथ अटैच करना पड़ता है। यूजुअली इज़ अ वेक्टर इज़ अ प्लाज्मिड। उसके बाद जीन क्लोनिंग, हम इस होस्ट सेल को एक मीडियम में ग्रो करते हैं ताकि वो जीन सर्वाइव कर सके और अपना एक प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके बाय डिज़ायर्ड प्रोटीन फॉर्मेशन, और मल्टीप्लाई करके जीन क्लोनिंग करके अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सके। सो दिस इज़ हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ फॉर्म्ड, राइट। हैव अ नाइस डे।